स्वागत है आपका हमारे चैनल पीओबी हॉरर ऑफिशियल चैनल में। कहानी शुरू करने से पहले मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जो आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया है इस चैनल को। आप लोगों का दिल से शुक्रिया। साल खत्म होने को है तो ये लास्ट वीडियो होगा इस साल का। दोस्तों, जैसा आपने 2023 में सपोर्ट किया है, आशा करते हैं वैसा ही आप अपना सपोर्ट 2024 में भी देंगे। हैप्पी न्यू ईयर। आप सभी को आने वाला साल आपके लिए बहुत सी खुशियां लाए। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नीलावंती का दूसरा पार्ट। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और आपने पहला पार्ट नहीं सुना तो सुन लीजिए, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि कहानी में क्या चल रहा है। इस कहानी के लेखक है श्री भगवत किनकर जी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो अपना एक सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को अपना प्यार जरूर दें। तो दोस्तों, आपने अभी तक सुना था कि मांत्रिक और राव साहेब आपस में बात कर रहे थे। मांत्रिक ने वो सब राव साहेब को बताया कि वो मांत्रिक कैसे बना। उसके बाद राव साहेब ने अपने पुरखों का लिखा हुआ पत्र मांत्रिक को दिखाया। पत्र पढ़ के उसको नीलावंती ग्रंथ के बारे में पता चलता है और वो उसे ढूंढने महाबलेश्वर के जंगल की ओर जाने का निर्णय लेते हैं। अब आप अपने ईयरफोन हेडफोन लगा लीजिए, चलते हैं कहानी की ओर। राव साहेब और बाबू दोनों ही महाबलेश्वर के जंगल के छोर पर खड़े थे। उन्होंने अंदर जाने से पहले किसी को पूछना ठीक समझा, क्योंकि किसी जानकारी के बिना वे उस घने जंगल में महीनों भटके तो भी उनके हाथ कुछ लगने की आशा नहीं थी। थोड़ी ही दूर एक गडरिया भेड़ चराता हुआ दिखा। राव साहेब और मांत्रिक बाबू दोनों उसके पास गए और उसे बाजिंद के बारे में पूछने लगे कि अगर उनको बाजिंद को ढूंढना हो तो कहां जाना चाहिए। पहले तो गडरिया बताने से साफ मना कर दिया और कहा कि वे दोनों अगर अपने जान की सलामती चाहते हैं तो वापस लौट जाएं। वे लोग पहले नहीं हैं जिन्होंने बाजिंद के बारे में जानने की कोशिश की। कोई आज तक बाजिंद को ढूंढ नहीं पाया था और उसका साफ मानना था कि बाजिंद बस एक कोरी कल्पना है और कुछ नहीं। लेकिन राव साहेब और बाबू अपनी जिद पर अड़े रहे। उन्होंने कहा कि बाजिंद कोरी कल्पना भी हो तो वह खुद अपने से उसकी जांच करना चाहेंगे, क्योंकि इतनी दूर आकर वह खाली हाथ लौटना नहीं चाहते थे। तो गडरिये ने कहा कि वह उन्हें रास्ता दिखाने के लिए तैयार है। उसने उन दोनों को वेताल की एक मूर्ति के पास लाकर छोड़ा, जिसे बरसों से किसी ने नहीं पूजा था। कहा कि इसके पीछे से सीधे चलते हुए जाए जब तक ऐसी ही एक मूर्ति ना दिख जाए, और उन्हें छोड़कर वह चला गया। राव साहेब और बाबू दोनों ही वेताल की मूर्ति के पीछे से चल पड़े। जैसे जैसे अंदर जा रहे थे वैसे जंगल और ज्यादा घना हो रहा था। वे इतना अंदर पहुंच गए कि दोपहर होने के बावजूद रात जैसा अंधेरा छा रहा था। सीधे चलना जितना कहा गया था उतना आसान नहीं था, क्योंकि रास्ते में पेड़ पौधे, बड़ी बड़ी शिलाएं इतनी थीं कि कई बार रास्ता भटक जाते थे। उन्होंने मशाल जलाई जो साथ में लाई थी। पता नहीं कितनी देर हुई लेकिन न वेताल की मूर्ति दिखने का नाम ले रही थी जंगल खत्म होने का। अचानक से उन्हें एक आकृति नजर आई, साफ नहीं दिखी लेकिन पता चल रहा था कि वह एक मूर्ति है। दोनों ही मूर्ति के पास पहुंचे और सोचने लगे कि अब आगे क्या। तभी मूर्ति जिसकी पीठ इनकी तरफ थी वह अपना सर इनकी तरफ घुमाने लगी। दोनों ही डर से कांपने लगे। उन्हें समझ आया कि क्यों बाजिंद की खोज में आया हर इंसान मरा हुआ पाया गया था। वह था डर, लेकिन सिर्फ डर नहीं। जिस जगह पर वे खड़े थे वहां की जगह धीरे धीरे सिकुड़ने लगी, इतनी कि लगता था वे दोनों उसमें पिस जाएंगे। चारों ओर से जगह इतनी संकरी हो गई कि उन दोनों का दम घुटने लगा। तभी उनके पैरों के नीचे एक सुरंग तैयार हो गई और वे दोनों उसमें गिर गए। वह सुरंग कहीं निकलने का गुप्त रास्ता था। बाबू और राव साहेब दोनों ही उस पर से फिसलने लगे। कुछ देर बाद वे कहीं पर गिर गए। जंगल के मुकाबले वहां पर बहुत प्रकाश था। उन्होंने देखा वह कोई पुराना किला था। बाकी किलों की तरह यह ऊंचाई पर नहीं था बल्कि जमीन की सतह के काफी नीचे बना हुआ था। किले की हालत कुछ खास अच्छी नहीं थी। कुछ दीवारें खंभे बचे हुए थे, बाकी सब गिर गया था। गिरते समय बाबू और राव साहेब का शरीर कई जगह से छिल गया था और कपड़े भी थोड़े से फट गए थे। उन दोनों को यह पता नहीं चल पा रहा था कि वे जंगल के कौन से हिस्से में हैं। दोनों ही वहां से बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगे, क्योंकि वे जहां से गिरे थे उस सुरंग का छोर 10-12 हाथ ऊंचाई पर था।
चढ़ाई सीधी थी, इसलिए वहां पर आसानी से पहुंचा नहीं जा सकता था। दूसरी बात यह थी कि वे उस जगह वापस जाना भी नहीं चाहते थे। जैसा कि किला जमीन की सतह के नीचे उकेरा गया था, तब भी बहुत विशाल परिसर में फैला हुआ था। जब इसे बनाया गया था तो मजदूर नीचे आते ही होंगे, तो ऊपर चढ़ने के लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर होना चाहिए था, पर बहुत देर तक ढूंढने के बाद भी ऊपर जाने का जरिया मिल नहीं रहा था। परिसर में बहुत सी गुफाएं भी थीं, लेकिन वह अंदर कितनी गहरी है इसका अंदाजा नहीं लग रहा था। इनके पास जो मशाल थी वह थोड़ी देर पहले की हड़बड़ी में कहीं गिर गई थी। समय निकलता जा रहा था। दिन का कौन सा समय है यह तो पता नहीं चल पा रहा था, लेकिन वह कभी ना कभी तो ढलने वाला तो था ही। बाबू का कहना था कि ऐसी जगह पर रात के समय रुकना ठीक नहीं होता, कई बार ऐसी जगह शापित होती है। उसका यह भी कहना था, हो ना हो जिन लोगों की जान गई है वे इसी जगह पर मारे गए हों। राव साहेब को बाबू की बात जच गई। अब तो उन्हें भी चिंता हो रही थी, बात सिर्फ बाहर जाने की नहीं रह गई थी, अब जान भी बचानी थी। वहां पर 22 गुफाएं थीं, मगर किसी भी गुफा में प्रकाश नहीं था जिससे अंदर जाकर रास्ते की खोज की जा सके। मांत्रिक को एक चकमक पत्थर दिखाई दिया तो उसने आग जलाकर मशाल बनाने की सोची। बहुत देर कोशिश करने के बाद आखिरकार आग जल गई थी, पर दिन ढल चुका था। अंधेरा धीरे धीरे और घना हो रहा था। उनके पास ज्यादा समय नहीं था। पहली गुफा के अंदर मशाल लेकर दोनों दाखिल हो गए। लगता था कि गुफा बहुत दूर तक फैली हुई थी, क्योंकि मशाल का प्रकाश ज्यादा दूर तक पहुंच नहीं पा रहा था। वह जितना भी आगे जाते उतनी गुफा और दिखाई देने लगती थी। दिन भर जंगल में चलने के कारण पहले ही दोनों के पैरों ने जवाब दिया था। ऊपर से वह उस सुरंग से भी गिरे थे जिससे भी चोट पहुंची थी। पेट में कौए हल्ला मचा रहे थे, और ऐसे में यदि एक एक गुफा इतनी बड़ी हुई तो क्या कर सकते थे। मशाल आदि खत्म हो गई तभी बाबू ने कहा कि हम और आगे नहीं जा सकते, क्योंकि फिर वापस जाने के लिए प्रकाश नहीं बचेगा। अगर इसी गुफा में फंसे रह गए तो दिन निकलने पर भी प्रकाश नहीं आएगा, और दिशा का पता न चलने के कारण गुफा के अंदर ही फंस जाएंगे। तो राव साहेब का कहना था कि पता नहीं हमारा यह निर्णय गलत निकल जाए तो हो सकता है कि बाहर जाने का रास्ता इसी गुफा में से निकले। समस्या दोनों ओर से थी और वे दोनों ही दुविधा में पड़ गए। दोनों को एक दूसरे के मत सही लग रहे थे। निर्णय लेने के लिए वक्त नहीं था, नहीं तो मशाल वहीं पर बुझ सकती थी। वे गुफा के बहुत अंदर तक आए थे। बाबू ने कहा कि राव साहेब की बात ठीक है, लेकिन हम पहले बाहर जाते हैं और बहुत सारी मशालें बनाते हैं, और दूसरी गुफा से फिर से शुरुआत करेंगे। यदि बाकी गुफाओं में रास्ता नहीं मिला तो फिर से पहली गुफा में जाएंगे, इससे हमारे बचने के मौके बढ़ जाएंगे। राव साहेब ने बात मान ली, दोनों गुफा से बाहर आ गए। बाबू की बात बिल्कुल सही थी, क्योंकि गुफा के दरवाजे तक पहुंचते ही मशाल बुझ गई थी। रात को क्योंकि तारे नजर आ रहे थे, तो बाबू जो रात को खजाने निकालने के लिए जाते समय तारों से ही समय का अंदाजा लगाया करता था, वह समझ गया कि आधी रात बीत चुकी है। अब खतरा पहले से ज्यादा बढ़ चुका था, क्योंकि रात का यही वह समय था जिसमें सभी अनहोनी घटनाएं हुआ करती हैं। साधनों की कमी की वजह से मशाले बनाने में बहुत समय लग रहा था। वैसी परिस्थिति में भी बाबू ने 5 मशाले बना ली थी, लेकिन उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी मशाले एक गुफा के लिए भी काफी होंगी। बाबू भी थक गया था। उसका मन तो कह रहा था कि रास्ता खोजना जरूरी है, लेकिन तन साथ नहीं दे रहा था। उसे विश्राम की सख्त जरूरत थी। राव साहेब की स्थिति भी इससे अलग नहीं थी। दोनों ने सुबह होने का इंतजार करने का फैसला किया, और बाहर ठंड लग रही थी, इसलिए उस गुफा के अंदर सोने चले गए जिसमें वे पहले जा चुके थे। वे ज्यादा अंदर नहीं गए थे। दोनों लेट गए। भूख और थकान के मारे उनका बुरा हाल था। लेटते ही दोनों की आंख लग गई। तभी राव साहेब को कहीं से पायल की आवाज सुनाई दी। पहले उसने सोचा कि यह उसका वहम होगा। कभी कभी थकान की वजह से भी दिमाग भ्रम पैदा करने लग जाता है। फिर से वैसी ही आवाज। अब की बार बाबू की भी आंखें खुल गईं और वह उठकर बैठ गया। राव साहेब को पहले से उठा देखकर बाबू जान गया कि उस अकेले को वह आवाज नहीं सुनाई दी। फिर से पायल की आवाज आई, इस बार ज्यादा तेज। दोनों को डर तो बहुत ज्यादा लग रहा था, लेकिन उसका सामना करने के अलावा उन दोनों के बाद कोई रास्ता भी तो नहीं था। एक दूसरे का हाथ थामे हुए दोनों गुफा से बाहर निकले और देखने लगे कि आवाज कहां से आ रही है। थोड़ी देर बाद फिर से आवाज आई। वह किसी गुफा से आ रही थी, पर कौन सी यह पता नहीं चल रहा था।
बाबू ने मशाल जलाई और वे दोनों हर एक गुफा के मुंह पर जाकर सुनते कि आवाज कहां से आ रही है। सभी गुफाओं के मुंह एक दूसरे से सटे हुए थे। वे जैसे ही 13वीं गुफा के पास पहुंचे, आवाज ज्यादा ही तेज हो गई। वे दबे पांव गुफा के अंदर जाने लगे। डर अब हद से ज्यादा बढ़ने लगा था। बाबू का पहले का डरपोक स्वभाव फिर से उभर गया और उसके पांव थर-थर कांपने लगे। वे गुफा के काफी अंदर चले गए थे, लेकिन जितना वे आगे जाते थे, आवाज उतनी ही अंदर से आती हुई लगती थी। तभी बहुत दूर कहीं एक टिमटिमाती रोशनी दिखी, बिल्कुल बाबू के हाथ की मशाल जैसी। वे धीरे धीरे उस ओर बढ़ने लगे। वह रोशनी गुफा के अंदर बनी और एक गुफा से आ रही थी। वे उस छोटी गुफा के मुहाने तक पहुंच गए और जैसे ही अंदर का दृश्य देखा तो दंग रह गए। एक किशोरवयीन लड़का जिसके हाथ में एक लाठी थी जिसमें घुंघरू बांधे हुए थे, वह अपनी लाठी जमीन पर मार रहा था। उससे पायल जैसी आवाज निकल रही थी। उसके आसपास जंगल के हर एक जानवर का एक एक प्रतिनिधि उपस्थित था, जैसे उन सबकी सभा हो रही हो और वह लड़का उनका नेतृत्व कर रहा हो। वह लड़का प्रत्येक जानवर से बात कर रहा था। बाबू और राव साहेब समझ गए कि यह वही है जिसकी तलाश वे कर रहे थे। बाजिंद गुफा में शेर, भेड़िया, लोमड़ी, लकड़बग्घा, हिरण, मोर, सांप, बिच्छू आदि कई प्रकार के जंगली पशु थे, जंगल में जिनका आपस में बैर होता था। वे जानवर भी एक दूसरे के पास बैठे हुए थे। बाबू और राव साहेब हैरान हो गए। वे सोच रहे थे कि अंदर कैसे जाएं, कहीं किसी जानवर ने हमला कर दिया तो। वे गुफा के अंदर तो आ गए, लेकिन आगे नहीं बढ़े। तभी उस लड़के की नजर उन पर पड़ी। उसने अपना सिर हिलाकर उनको पास आने के लिए कहा। बाबू और राव साहेब दोनों भी उसके पास चले गए। उस लड़के का चेहरा इतना आकर्षक था कि ना बाबू ने ना ही राव साहेब ने इतना खूबसूरत इंसान अपनी पूरी जिंदगी में देखा था। उसने सिर्फ एक धोती पहनी हुई थी। उसका बदन बेहद गठीला था, पुष्ट भुजाएं थीं, लंबे बाल कंधे पर झूल रहे थे और मुस्कान के तो क्या कहने, कोई इंसान ही क्या, जानवर भी उस मुस्कान का कायल हो जाता। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी जो उन्होंने किसी के चेहरे पर नहीं देखी थी। संसार के सभी सुविधाओं से दूर सिर्फ इन जानवरों के बीच रहकर भी वह इतना खुश दिखता था जितना खुश संसार का सबसे अमीर इंसान भी ना हो। लड़के ने उनसे पूछा कि वे यहां कैसे पहुंचे, यह उसे मालूम है, लेकिन उनके यहां आने का हेतु क्या है, यह वह जानना चाहता था। उसने कहा कि यदि वे नीलावंती के बारे में जानने आए हैं तो मुश्किल है कि वे यहां से जिंदा वापस जाए। उन्हें मारा नहीं जाएगा, लेकिन नीलावंती का रहस्य ही यह था कि उसे एक बैठक में सुनना पड़ता था। लड़के का कहना था कि वह एक बैठक में उसे सुना सकता था, लेकिन सुनने वाले में इतनी क्षमता न होने के कारण वे अपनी जान से हाथ धो देते थे। तब राव साहेब ने कहा कि उन्हें नीलावंती के बारे में सिर्फ इतना जानना है कि उनके किसी पुरखे ने लिखी किताब का उससे क्या संबंध है। उनकी जानवरों की भाषा समझने में कोई रुचि नहीं है और अपने खानदानी खजाने बाबू से मुलाकात और उस गुफा तक पहुंचने की पूरी कहानी बताई। तब लड़के ने कहा, मेरा कोई नाम नहीं है, मैंने यहां आने वाले लोगों के मुंह से ही सुना है कि लोग मुझे बाजिंद के नाम से जानते हैं। लोग समझते हैं कि मैं जानवरों की भाषा जानता हूं, यह नीलावंती की वजह से है, लेकिन मैंने उस ग्रंथ को पढ़कर जानवरों की भाषा नहीं सीखी। खुद रुद्रगणिका नीलावंती ने मुझे यह भाषा सिखाई है। क्या नीलावंती स्त्री थी, यह हमें नहीं पता था। हमने सिर्फ इतना ही सुना है कि नीलावंती नाम का एक ग्रंथ है जिसे पढ़ने से जानवरों की भाषा समझती है। राव साहेब ने कहा, लेकिन आप नीलावंती के बारे में क्यों जानना चाहते हैं, जरा बताइए। बाजिंद ने कहा। राव साहेब ने अपनी जेब में रखा वह कागज निकाला जिस पर खजाने का उल्लेख किया गया था और जिस पर नीलावंती अक्षर उल्टे लिखे गए थे। वह कविता पढ़ते ही बाजिंद मुस्कुराने लगा। बाबू और राव साहेब दोनों उसके चेहरे की तरफ देखने लगे। बाजिंद ने कहा कि इसका उत्तर तो बहुत ही आसान है। बाजिंद ने कहानी शुरू की। क्योंकि यह मेरे जन्म के पहले की बात है और मेरी उम्र अभी 1100 साल है, तो यह घटना बहुत पुरानी है। आप इसे ध्यान से सुनिए, क्योंकि इसी कहानी में आपके खजाने का रहस्य छुपा हुआ है। पहले के लोग बहुत ही अक्लमंद थे। वे जानते थे कि मनुष्य प्रकृति के साथ इतना नहीं एक रूप हो पाता जितना पशु, पक्षी, पेड़, पौधे होते हैं। इससे वे इस सृष्टि में अपना वजूद बनाए रखते हैं। वे प्रकृति के नियमों के बारे में हमसे बहुत ज्यादा जानते हैं। सोचिए,
हजारों पक्षी बिना किसी दिशा दर्शक के एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। प्रत्येक वर्ष कैसे यह वे कर पाते हैं, प्रकृति की अपनी भाषा है जिससे वह हमसे संवाद करती है। मनुष्यों को भी वह भाषा समझती थी, लेकिन फिर जैसे जैसे मनुष्य यंत्रों का सहारा लेने लगा तो उसे प्रकृति के साथ संवाद करने की आवश्यकता कम लगने लगी। जिन लोगों को अब भी प्रकृति के रहस्य जानने थे, उनके लिए उसका एकमात्र जरिया था जानवर, जिनसे बात करके वह उन रहस्यों को उजागर कर सकता था। तो हमेशा से ही वह जानवरों की भाषा सीखने की कोशिश में लगा हुआ था। हालांकि कामयाब कोई विरला ही होता था, वह भी एकाध जानवर की भाषा में, परंतु इतना काफी नहीं था। फिर किसी ने जाना कि बच्चे का जन्म हो जाने के बाद यदि उसको पहली बार पिलाया जाने वाला पानी जंगल में रख कर जब सभी पशु पक्षी जानवर पी ले तो उसका एक घूंट बच्चे को उन सभी जानवरों की भाषा का ज्ञानी बनाएगा जिन्होंने वह पानी पिया है। जिसने यह बात खोजी थी वह मनुष्य था, नीलावंती का पिता। जब नीलावंती पैदा हुई थी उसके 3 दिन पहले उसके पिता ने जंगल में एक बर्तन में पानी भरकर रखा था। उन 3 दिनों में जंगल के लगभग सभी जानवरों का मुंह उस पानी को लग गया था। नीलावंती पैदा होने के तुरंत बाद उसको वह पानी पिलाया गया। उसका प्रभाव यह हुआ कि वह चिड़िया, चींटी, कौए, कुत्ते आदि बहुत से जानवरों की भाषा समझने लगी। वह जानवरों की भाषा समझती थी तो उनको उन्हीं की भाषा में उत्तर देती थी, लेकिन जब गांव के लोगों ने यह सुना कि छोटी सी लड़की के मुंह से इंसानी भाषा से पहले जानवरों की आवाजें निकल रही हैं, तो उन्होंने उसके पिता से कहा कि यह लड़की शापित है, इससे गांव पर कोई संकट आ सकता है, तुम इसे जिंदा नहीं रख सकते। नीलावंती के पिता ने गांव वालों को समझाया कि यह सिर्फ उसके किए हुए प्रयोग का नतीजा है, पर किसी ने उसकी एक ना सुनी। पंचायत बिठाई गई और सभी ने एकमत से निर्णय किया कि ऐसी लड़की जो जानवरों की आवाजें निकालती हो उसे जीने का कोई अधिकार नहीं है। हो सकता है उसके माध्यम से जंगली श्वाप, सांप, बिच्छू गांव में घुसे और हमारे बच्चों और प्रियजनों को नुकसान पहुंचाए। उससे पहले ही यदि इस लड़की को मार दिया जाए तो उसकी नौबत ही नहीं आएगी। नीलावंती के पिता ने यह प्रयोग इसलिए किया था कि उसे पशुओं के अद्भुत दुनिया को रहस्य समझने थे, कि कैसे भूकंप, उल्कापात, बाढ़, बारिश का प्रमाण और समय, इसका पता इन जानवरों को पहले ही चल पाता है। यदि इनसे यह बातें जान ली जाए तो हम भी मनुष्यों की कितने संकटों से रक्षा कर सकते हैं। जब पंचायत के निर्णय का पता नीलावंती के माता पिता को चला तो उनके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। नीलावंती की मां ने कहा कि हमें कैसे भी करके इस लड़की को बचाना चाहिए। जिन पशुओं की भाषा जानने की वजह से इसकी जान खतरे में पड़ गई है, अब वे ही इसकी रक्षा करेंगे। सिर्फ 12 दिन की नीलावंती को लेकर उसके माता पिता जंगल की ओर भागे और उसे लेकर वहीं रहने लगे। नीलावंती को भी जंगल बहुत पसंद आया और जंगल के श्वापदों को भी नीलावंती भा गई। सभी जानवर जिनकी नीलावंती भाषा बोलती थी वे नीलावंती से बहुत प्यार करते थे। जिनकी भाषा नहीं आती थी उनकी भाषा नीलावंती रहवास से सीख गई। 2 साल की होने तक तो नीलावंती जंगल के किसी भी जीव की भाषा बोल और समझ रही थी, और साथ ही अपने माता पिता के साथ मनुष्यों की भाषा में भी बोल रही थी। उसके पिता का जो सपना था वह साकार हो चुका था। उन्हें ऐसे ऐसे रहस्य नीलावंती के माध्यम से पता चल रहे थे जो कभी कानों से भी नहीं सुने थे। नीलावंती को कई बार जानवर या सांप कहीं दबे हुए खजाने के बारे में बता देते थे तो नीलावंती के पिता जाकर उस जगह से वह खजाना लाते और उससे कई गरीबों की गुप्त रूप से मदद करते थे। ऐसे ही 16 साल निकल गए। अब नीलावंती एक बहुत ही सुंदर किशोरी में बदल गई थी। एक बार की बात है जब 5-6 लुटेरे कहीं से नीलावंती के पिता का पीछा करते हुए उस जंगल में पहुंच गए। नीलावंती और उसके परिवार को जीने के लिए जो भी आवश्यक था वह उस जंगल से मिल जाता था। थोड़ा बहुत खर्चा सिर्फ कपड़ों पर ही होता था तो बहुत सा खजाना उसी गुफा में पड़ा हुआ था। लुटेरों ने जब वह देखा तो उनकी आंखें चौंधी आ गईं। बहुत सारा खजाना बिना किसी मेहनत के मिल गया, यह उनके लिए बड़ी खुशी की बात थी। नीलावंती के उपस्थित रहते कोई भी उस गुफा की तरफ नहीं आ सकता था क्योंकि जंगल के सभी जानवर उसकी रक्षा करते थे और उनसे उसे कहीं की भी घटना का पता चल जाता था। लुटेरों ने खजाना छीनने के लिए नीलावंती के माता पिता को मार डाला। हालांकि यह घटना एक चील के माध्यम से नीलावंती को तुरंत पता चल गई, मगर उसे आने में थोड़ी देर हो गई।
वह पहुंची तब तक लुटेरे जा चुके थे मगर ज्यादा दूर नहीं जा सके। नीलावंती ने जानवरों को संदेश भेजा कि कोई भी जिंदा जंगल से बाहर नहीं निकल पाए। लुटेरे जंगल से नहीं निकल पाए, रास्ते में ही हाथियों के झुंड ने उन्हें कुचल डाला। पर इस घटना ने नीलावंती को बहुत आहत किया, उसके हृदय को बड़ी चोट पहुंची। उसके पिता बहुत ही साधु स्वभाव के इंसान थे, उन्होंने कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहा था। अब तक तो जंगल के पशु ही नीलावंती के सब कुछ थे, उन्हीं के लिए जीना और उन्हीं के लिए मरना यही नीलावंती के जीवन का उद्देश्य हो गया था। लेकिन उसके माता पिता की हत्या के साथ उसको एक और उद्देश्य हो गया, समाज के बुरे लोगों का नाश करना। इसके लिए जरूरी था कि वह खुद भी मौत से बच सके। उसने जानवरों से पूछकर संजीवनी बूटी का पता लगाया जिसके खाने से मनुष्य मौत को टाल सकता था। जब उसने वह बूटी खाई तो वह भी मृत्यु के भय से रहित हो गई। उसने अनेक ऐसे लोगों को मौत के घाट उतार दिया जिनसे समाज को खतरा था, और अपने पिता के जैसे बहुत से लोगों की मदद भी की। उसकी अमृता, जानवरों की भाषा समझने की उसकी अद्भुत शक्ति, इससे उसकी गणना कुभांडों में होने लगी। कुभांड वह लोग हैं जिनमें अद्भुत शक्तियां होती हैं, उन्हें भगवान शिव के गणों में भी गिना जाता है। एक दिन की बात है, एक तरुण व्यापारी जंगल के रास्ते से कहीं जा रहा था। वह बैलगाड़ी में अपना माल एक गांव से दूसरे गांव जाकर बेचता था। वह पहले कभी भी इस रास्ते से नहीं गया था, इसलिए उसे यह नहीं पता था कि इस जंगल में किसी अपरिचित का आना प्रतिबंधित है। क्योंकि नीलावंती के माता पिता की हत्या के बाद से जंगल के पशु नीलावंती की सुरक्षा की बहुत चिंता करते थे, वे किसी को भी जंगल में घुसने नहीं देते थे। मगर वह व्यापारी तो अंदर आ गया था। भेड़ियों ने उसकी बैलगाड़ी का पीछा शुरू किया। भेड़ियों के झुंड को देखकर बैल डर गए और उन्होंने जोर से दौड़ना शुरू किया। बैलगाड़ी बुरी तरह से खींचने के कारण पत्थरों पर टकरा के टूट गई। व्यापारी नीचे गिरकर बेहोश हो गया। बैल जंगल के बाहर भाग गए। नीलावंती को उस व्यापारी के बारे में पता चला तो वह उसके पास पहुंच गई। उसने देखा कि एक खूबसूरत नौजवान बेहोश पड़ा है, उसके सर पर गहरी चोट आई है, उसका अगर इलाज नहीं किया गया तो वह मर जाएगा। वह उसे अपने साथ अपनी गुफा में लेकर गई। नीलावंती को जड़ी बूटियों का ज्ञान था तो उसने उसका अच्छी तरह से इलाज किया। दो दिन बाद जब उस नौजवान को होश आया तो उसने देखा कि एक अति सुंदर लड़की उसका ख्याल रख रही है। उसने नीलावंती से बात की और अपना नाम अनिल बताया। नीलावंती ने अनिल से कहा कि उसका पूरी तरह से इलाज होने में कुछ और दिन लग सकते हैं। उन कुछ दिनों में अनिल को नीलावंती से प्यार हो गया। कुछ ही दिनों में अनिल पूरी तरह से ठीक हो गया। उसने अपने मन की बात नीलावंती को बता दी। नीलावंती को भी अनिल अच्छा लगा था और वह उसकी इस हालत का खुद को जिम्मेदार मान रही थी। सहानुभूति भी प्यार होने की एक वजह होती है, इसी वजह से नीलावंती को भी उससे प्यार हो गया था। अनिल ने नीलावंती से विवाह के लिए पूछा। नीलावंती ने कहा कि वह उससे विवाह करेगी लेकिन उसकी कुछ शर्तें हैं। अनिल ने शर्तें पूछी तो नीलावंती ने बताया, उसकी पहली शर्त यह है कि वह रात में कभी भी उसके साथ नहीं सोएगी। दूसरी शर्त यह है कि वह अगर रात को कहीं जाए तो वह उसे नहीं ढूंढेगा। अनिल ने उसकी दोनों शर्तें मान ली। 5 साल वे बहुत खुशी खुशी साथ रहे। एक दिन दोपहर को नीलावंती और अनिल जंगल में भटक रहे थे, तभी एक नेवला और नेवली कहीं जाते दिख गए। नेवली उदास लग रही थी। नीलावंती ने पूछा कि वह क्यों दुखी है। नेवली ने बताया कि उसका पति अंधा है, इसलिए वह उसको कभी अकेला नहीं छोड़ सकती। नीलावंती के पास अंजन था, जो नीलावंती ने उस नेवले की आंख में लगाया। तुरंत नेवले को सब कुछ दिखाई देने लगा। नेवली ने नीलावंती को 2 दिव्य रत्न दिए, कहा कि यह 2 रत्न बहुत शक्तिशाली है। इसमें से पहला जिसके पास होगा वह किसी के भी मन की बात जान सकता है, और दूसरा पास होने से वह किसी से भी हारेगा नहीं। नीलावंती का पति अनिल दूर से सब देख रहा था। जब उसने नीलावंती से पूछा तो नीलावंती ने भोलेपन से बता दिया, मगर सिर्फ 1 मणि के बारे में जिससे कभी हार नहीं होती थी। दूसरे मणि के बारे में उसने कुछ नहीं बताया, इसलिए नहीं कि उसका अनिल के ऊपर विश्वास नहीं था, बल्कि वह उस मणि की परीक्षा लेना चाहती थी। अनिल की इच्छा हुई कि सदा जीत दिलाने वाली वह मणि उसके पास हो। उसने नीलावंती से वह मणि मांग ली। नीलावंती ने कहा कि उसे उनकी क्या जरूरत है, तो अनिल ने कुछ नहीं बताया, लेकिन उसने दूसरी मणि के प्रभाव से उसके मन की बात जान ली कि अनिल उस जंगल के बाहर जाकर उस राज्य पर विजय प्राप्त करना चाहता था जिसमें वह जंगल था। वह मणि
उसके पास होने से यह बहुत आसान हो जाता। नीलावंती को उसके विचार जानकर आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने अनिल को यह पता नहीं चलने दिया। एक रात जब नीलावंती और अनिल, जो शर्तों की वजह से अलग अलग सोते थे, सोए हुए थे, तब अनिल को दूर से भेड़िये के चिल्लाने की आवाज आई। वह नीलावंती को बता रहा था कि उसे अब भगवान शिव के गणों में जाके रहना चाहिए, लेकिन शिवगणों में स्थान पाने के लिए जो चीज आवश्यक है वह एक प्रकार का तावीज था, जिसका पता भेड़िया उसे बताना चाहता था। नीलावंती ने भेड़िये का संदेश सुना तो तुरंत वह नदी की तरफ निकल पड़ी। नीलावंती जाने के थोड़ी देर बाद अनिल भी उसके पीछे निकल पड़ा। नीलावंती जान गई कि अनिल उसका पीछा कर रहा है, लेकिन उसने उसे मना नहीं किया। नदी के किनारे पहुंचने पर भेड़िया नीलावंती से मिला और उसने बताया कि अभी थोड़ी देर बाद एक प्रेत नदी में बहता हुआ आएगा। उसकी कमर में वह तावीज बंधा हुआ है, जिसकी मदद से वह भगवान शिव के गणों में शामिल हो सकती थी। नीलावंती नदी के किनारे ही उस प्रेत का इंतजार करती हुई बैठ गई। आधी रात के समय नदी में एक प्रेत बहता हुआ आया। नीलावंती उस प्रेत के पास गई और उसे खींचकर किनारे पर लेकर आई। अनिल पूरी घटना पेड़ के पीछे छुपकर देख रहा था। नीलावंती की पीठ अनिल की तरफ थी तो उसे वह क्या कर रही है यह नहीं दिख रहा था। नीलावंती ने प्रेत के कमर में बंधा तावीज देखा, वह बहुत ही विशेष दिख रहा था और खुद से चमक रहा था। नीलावंती तावीज खोलने लगी, लेकिन वह इतनी मजबूती से बंधा था कि छूटने का नाम नहीं ले रहा था। नीलावंती ने आसपास देखा कि काटने के लिए कोई चीज मिल जाए, लेकिन पत्थर भी नहीं थे, सिर्फ रेत ही थी। नीलावंती दांत से रस्सी काटने के लिए प्रेत के ऊपर झुक गई। अनिल, जो पीछे से घटना देख रहा था, उसे लगा कि नीलावंती प्रेत को खा रही है। वह बहुत डर गया और भागकर गुफा में जाकर बैठ गया, जिससे नीलावंती को कुछ पता ना चले। अनिल को नहीं पता था कि नीलावंती ने उसे उसके पीछे आते हुए देख लिया था। बड़ी मुश्किल से वह तावीज निकालने के बाद नीलावंती उसे लेकर अपनी गुफा में आ गई। अनिल वहीं पर बैठा हुआ था। उसने पूछा कि वह कहां गई थी। नीलावंती ने उसे विवाह के वक्त की शर्त याद दिलाई, लेकिन अनिल ने कहा कि वह सब जानता है कि वह मुर्दा खाने के लिए गई थी और उसे अब ऐसी औरत से कोई संबंध नहीं रखना है, वह उसे छोड़कर जा रहा है। नीलावंती ने उसे रोका नहीं, पर समझाने की कोशिश की कि वह मुर्दा नहीं खा रही थी, पर अनिल कुछ सुनने की हालत में नहीं था। वह तुरंत वहां से चला गया। नीलावंती को भगवान शिव के गणों में शामिल होने के लिए आवश्यक तावीज तो मिल गया था, लेकिन उसने सोचा कि वह जाने से पहले आज तक उसने जितना ज्ञान इकट्ठा किया है उसकी विरासत ग्रंथ के रूप में पीछे छोड़ना चाहती थी। उसने शुरुआत से सब कुछ लिखा, चींटी की भाषा कैसे समझे, उसके संकेत क्या होते हैं आदि प्रकार से धीरे धीरे जंगल के सभी जानवरों के बारे में लिखा, उनकी भाषा लिखी। इसमें बहुत समय निकल गया। वह एक बहुत बड़ा ग्रंथ बन गया जिसका कोई नाम नहीं था, ना पढ़ने का कोई क्रम ही था। वह तो बस बहुत सी जानकारी का संकलन था। उसमें आत्माओं से संपर्क बनाने के तरीके भी लिखे थे। अब उसे कोई शिष्य चाहिए था जिसे वह इस ग्रंथ को पढ़ने का तरीका और उसके रहस्य को बता सके, लेकिन इतने महत्वपूर्ण ज्ञान को वह इतनी आसानी से किसी को भी नहीं सौंप सकती थी। वह हर दिन इसी तलाश में होती थी कि कोई ऐसा उसे मिल जाए जिसे यह ज्ञान सीखना तो हो, लेकिन वह इसका गलत इस्तेमाल ना करे। एक दिन जब वह जंगल में रोज की तरह घूम रही थी, तब उसे मैं मिल गया। मुझे किसी कुवारी माँ ने लोक लज्जा के डर से जंगल में छोड़ दिया था। नीलावंती ने मेरी माँ भी पाल नहीं सकती थी, इतनी अच्छी तरह से पाला। मैं भी बड़े होते होते जानवरों की भाषा और वह सब ज्ञान जो नीलावंती ने उस ग्रंथ में लिखा था सीख गया। हालांकि इसके लिए मुझे ग्रंथ पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ी। जब मैं 16 साल का हो गया, जैसा मैं अब हूं, तो नीलावंती, जिसे मैं माँ कहकर ही पुकारता था, मुझे मेरे उससे मिलने की कहानी बताई और कहा कि उसे अब उसकी असली जगह पर जाना होगा। उसने मुझे संजीवनी विद्या दे दी, जिससे मैं दीर्घजीवी हो गया और मेरी आयु भी थम गई। पिछले 1000 सालों से मैं 16 वर्ष की अवस्था का ही हूं। संजीवनी विद्या देने के बाद नीलावंती ने किसी मंत्र का उच्चारण किया तो उसे लेने के लिए दूसरी शिवगणिकाएं आईं। उनके साथ नीलावंती हमेशा के लिए शिवगणों के साथ रहने चली गई। फिर मैं भटकते भटकते इस जंगल में आया और यहीं पर बस गया। तब से मैं यही रहता हूं और इस जंगल की रक्षा करता हूं। बाजिंद ने कहानी पूरी की। लेकिन तुमने हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया।
बाबू ने कहा। हाँ, मैं बताना तो भूल गया कि तुम्हारे किसी पुरखे ने जो कविता लिखी है उसमें जो सागर तीर्थ का नाम है वह समुद्र के लिए नहीं लिखा गया है। असल में सागर तीर्थ उसी जगह का नाम है जहां नीलावंती पैदा हुई थी। हजार सालों में उसका नाम जरूर बदला होगा, लेकिन मैं वह जगह जानता हूं क्योंकि मेरी मां ने भी मुझे उसी सागर तीर्थ के जंगल में छोड़ा था, बाजिंद ने बताया। आज वह जगह किस नाम से जानी जाती है? राव साहेब ने पूछा। आज वह जगह जानी जाती है रामलिंग के जंगल के नाम से, बाजिंद ने जवाब दिया। मुझे वह जगह पता है, महाराष्ट्र के मराठवाड़ा प्रांत का बहुत ही प्रसिद्ध तीर्थस्थल है वह, बाबू ने बताया। बाजिंद ने फिर दोनों को अपनी आंखें बंद करने को कहा और पलक झपकते ही उसी वेताल की मूर्ति के पास छोड़ दिया जहां से बाबू और राव साहेब ने जंगल में प्रवेश किया था। बाबू और राव साहेब ने आंखें खोली तो सामने वही वेताल की मूर्ति थी जिससे आगे जंगल में रास्ता जाता था। उन्होंने अपने पीछे आवाज सुनी तो वही गडरिया वहां पर भेड़ें चरा रहा था और उनसे कह रहा था, मेरी मानो तो यहां से वापस चले जाओ, यहां से कोई जिंदा वापस नहीं आया है। उनको यकीन नहीं हुआ कि इतना सब घट गया था, लेकिन समय अब भी वही का वही था। तो यह सच था, नीलावंती से समय पर काबू किया जा सकता है, लेकिन नीलावंती कहां है यह तो किसी को भी नहीं पता। उसे सिर्फ किस्मत से ढूंढा जा सकता है। नीलावंती उसी को मिलता है जो उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहता। अब रावा साहेब और बाबू को रामलिंग जाकर खजाना ढूंढना था। वे रामलिंग पहुंच गए, लेकिन वहां जाकर उन्हें पता चला कि सालों पहले किसी राजा को यहां का खजाना मिल गया, उसी पैसों से यहां रामलिंग का मंदिर बना हुआ था। अब क्या किया जाए, सब खत्म हो गया, खजाने की खोज भी और नीलावंती की तलाश भी। खजाने का इस्तेमाल हो चुका था, नीलावंती भी बाजिंद के पास सुरक्षित थी। ये थी उस आखिरी इंसान की कहानी जिसने नीलावंती की खोज की थी, लेकिन नीलावंती आज भी रहस्य बनी हुई है। उसकी खोज करने वाले आज भी उसको ढूंढते रहते हैं। आपको अगर नीलावंती सुननी है तो आपको पता है कि महाबलेश्वर के जंगल में वेताल के मूर्ति के पीछे से रास्ता मिल जाएगा, लेकिन क्या आप वहां सच में जाना चाहते हैं? तो दोस्तों, ये थी भगवत किनकर जी की लिखी हुई कहानी नीलावंती। आपको यह कहानी अच्छी लगी तो कहानी को लाइक जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारा यह कहानी सुनाने का तरीका कैसा लगा। अगर आपको इसी तरीके से कहानी सुनना है तो कमेंट करके हाँ जरूर लिखें। आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे आपको हम ऐसी ही कहानियां सुनाते रहे और आप भी हमारे साथ जुड़े रहे। तो देर ना करें, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हमारी अगली कहानी में, जब तक आप अपना ख्याल रखिए।